तो आज हम करने वाले कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग वो होती है जो कि किसी भी कंडीशन के बेस में हम कोई भी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। कोई लिमिट नहीं है कि हमें यही फॉर्मेटिंग करनी है। फॉर्मेटिंग के अंदर आपका जो भी फॉन्ट में बोल्ड, इटैलिक, कलर भरना, बॉर्डर, ये सब आता है, ठीक है। तो कैसे भी ड्राइव कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस तो इन्होंने हमें दी हुई हैं, ठीक है। एक्सेल का क्या वर्किंग क्राइटेरिया है? पहले हमारे पास जो पुराने एक्सेल में आता था वो ये आता था, न्यू रूल वाला, इस तरह से बॉक्स आता था। पर एक्सेल 2007 के बाद इन्होंने क्या किया, कुछ जो रूल्स कॉमन थे उनको बाहर कर दिया, कैटेगराइज कर दिया, ठीक है, इनसे बाहर निकाल दिया। तो हमें यहीं पे मोस्टली मिल जाते हैं, जो नहीं होते वो हमें यहाँ से देखने पड़ते हैं। इनके लिए एक रूल मैनेजर है, मैनेज रूल में ये क्या रूल लगाए, किस पे लगाए, वो आपको मैनेज बताता है। वो बताता है कि इसमें कितने कितने रूल है, और एडिट भी कर सकते हैं हम इसमें। आपको जो भी ये करना है उसमें आपको हाईलाइट करना, पहले सिलेक्ट करना होता है आपको कि इस डेटा पे हमारी फॉर्मेटिंग होगी, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने डेटा सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, हाईलाइट सेल रूल्स, ग्रेटर देन, ठीक है। अब ग्रेटर देन में मैं कोई भी नंबर डाल सकता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट एंट्री कर सकता हूँ, उससे बड़ा होगा तो हाईलाइट। किससे हाईलाइट करना है, यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, अलग अलग ऑप्शन है। अगर आपको अपनी मर्जी से कोई ऑप्शन चाहिए तो कस्टम फॉर्मेट में जाइए। जैसे मुझे रेड करना है मान लीजिए, तो आप क्या क्या फॉर्मेट कर सकते हैं, कोई भी नंबर फॉर्मेटिंग चूज़ कर सकते हैं, कस्टम फॉर्मेटिंग चूज़ कर सकते हैं, फॉन्ट चूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर चूज़ कर सकते हैं कि बॉर्डर लगना चाहिए हटना चाहिए, कलर लगा सकते हैं। तो जैसे मुझे कलर ही लगाना है, फॉन्ट में से बोल्ड कर देता हूँ, ठीक है, ओके। तो ये मेरे को मिल जाता है यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मैंने इस रूल को लगा दिया, अब कंडीशन फॉर्मेटिंग के मैनेज रूल में जाके मैं देख सकता हूँ कि ये मेरा रूल लगा हुआ है कि सेल वैल्यू ग्रेटर देन 62 तो ये होना चाहिए। किस पे अप्लाई हो रहा है, वो ये रेंज है, ठीक है। इसको यहाँ से चेंज किया जा सकता है, ठीक है, या इस रूल को डिलीट किया जा सकता है इधर से। अगर मान लीजिए आपको इसमें रूल नहीं दिखा रहा है, अभी तो मैंने सिलेक्ट किया हुआ है तो करंट सिलेक्शन के अंदर रूल दिखा रहा है। अगर नहीं आता है, मतलब सिलेक्ट नहीं किया, तो दिस वर्कशीट में करके आप इस वर्कशीट के रूल देख सकते हैं। अदर वर्कशीट के देखने हैं तो ये हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर क्लियर रूल करने के लिए सिलेक्टेड सेल, अगर सिलेक्टेड है तो क्लियर कर देगा, एंटायर शीट पूरी शीट से उड़ा देगा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपने कोई रेफरेंस सिलेक्ट करना है, तो ये आपका रेफरेंस पिकर है, इसको आप क्लिक करेंगे और यहाँ से चूज़ कर लेंगे कि ये इससे ग्रेटर देन में, ठीक है, इस लिंक से ग्रेटर देन में। अब इसमें एक ट्रिक है पीछे, इसमें ना एक फार्मूला काम करता है। क्या फार्मूला काम करता है, जैसे ये था और ये डॉलर था, डॉलर का यूज मालूम है क्यों होता है? तो फार्मूला था कि अगर ये ग्रेटर देन इस वैल्यू पर। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग एक्चुअली हर सेल पे अप्लाई होती है, तो ये रूल आपका ये हर सेल पे ऐसे चलेगा। अब वहाँ डॉलर लगा था तो ये रूल हर सेल पे इसी तरह से लगेगा। तो अगर हम उसके सिलेक्शन में डॉलर यहाँ से हटा देते टू के पास से, तो ये हमारा जहाँ जहाँ ट्रू आ रहा है कुछ इस तरह से होता कि ये हमारा हाईलाइट होता कि जो भी टारगेट से बड़ी है उसको करना है, ठीक है। तो अभी मैं क्लियर कर देता हूँ फिलहाल, और यहाँ पे दोबारा से लगाता हूँ हाईलाइट सेल रूल ग्रेटर देन, और लिंक जो मैंने चूज़ किया, जो इसकी सिलेक्शन की पहली सेल होती है उसी पे ये पहला फार्मूला डालता है, बाकी ड्रैग होता है। तो ये टू के आगे डॉलर मैं यहाँ से हटा देता हूँ, तो अब ये बदल गया, जहाँ जहाँ ट्रू है वो आपका हाईलाइट हो गया, ठीक है, समझ आया ये। इसके बाद लेस देन, लेस देन आपको मालूम ही है, इसमें कोई भी खास नहीं है, जो छोटी वैल्यूज़ हैं बिटवीन दो वैल्यूज़ के बीच में, इन सब में आप रेफरेंस पिक कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद इक्वल टू, इक्वल टू का यूज़ आप टेक्स्ट वगैरह के लिए भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टेक्स्ट में आपने लिया कुछ भी, अभी मैं यहाँ से हटा देता हूँ, जो मैंने कहा विकास को हाईलाइट कर दो तो ये कर देगा। इन्वर्टेड कॉमास की इसमें ज़रूरत नहीं होती टेक्स्ट लिखने के लिए। इसके बाद टेक्स्ट दैट कंटेन्स, अब ये जैसे हमने फिल्टर में देखा था कंटेन्स वाला ऑप्शन, वैसा ही है कि डबल ई जहाँ पे हो, आई जहाँ पे हो, ठीक है।
इसके बाद मैं देखूँ स्टार चलता है नहीं चलता, ठीक है, ये स्पेशल कैरेक्टर नहीं चलते हैं इसमें। डेट अकरिंग, ये डेट के लिए, डेट अकरिंग में आपके डेट से रिलेटेड ऑप्शन होते हैं, पर जो नहीं होंगे इसमें वो सब फार्मूला से आएंगे। तो यस्टरडे कल की डेट होगी तो कोई हाईलाइट कर देगा, टुडे आज की, टुमारो, इन द लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, दिस वीक, नेक्स्ट मंथ, दिस मंथ, लास्ट मंथ, ठीक है। तो ये वाले हमने कर रखे हैं पहले, वो हाईलाइट होंगे। डुप्लीकेट वैल्यूज़, कोई भी डुप्लीकेट जो होगी वो हाईलाइट हो जाएगी। यूनिक करनी है तो यूनिक, ठीक है। इसके बाद टॉप एंड बॉटम रूल्स, जैसे कि हमारे फिल्टर में थे सेम वैसे ही है। टॉप 10 आइटम्स, आइटम का मतलब होता है 10 जो भी होंगे, 10 आइटम आपके, ठीक है, 10, 20 कितना भी चूज़ कर सकते हैं। 10% है परसेंटेज ऑफ रिकॉर्ड्स, हाँ 90 है तो 9 रिकॉर्ड्स आपके हाईलाइट हो जाएंगे। इसी तरह से बॉटम, और बॉटम 10% है। अबव एवरेज, एवरेज से अबव जितने होंगे वो हाईलाइट हो जाएंगे। बिलो एवरेज, एवरेज से बिलो जितने होंगे वो। डेटा बार्स, डेटा बार्स एक तरह से आपका जैसे बार चार्ट होता है उसी तरह से, ये ऑटोमेटिक होता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये आपका बार मिनिमम मैक्सिमम वैल्यू अपने आप पिक करता है और उसके बेस पे ग्राफ बना देगा, ठीक है। हाँ यूज़ होते हैं उसमें, ठीक है। कलर स्केल, कलर स्केल भी आपका उसी तरह से होता है जैसे हमारे डेटा बार्स होती है, पर इसमें क्या होता है, जैसे पहले हमने कौन सा कलर स्केल अप्लाई किया था इसमें, यहाँ पे ग्रीन, येलो, रेड कलर स्केल, ठीक है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो आपकी डार्क ग्रीन में आएगी, उससे फेड होती चली जाएगी, ठीक है। येलो मीडियम में आ जाएगा ये, ठीक है, फिर ये रेड पे चली जाएगी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो इस तरह से आपका ये होता है, जैसे फेयर एंड लवली में होता है ना उसी तरह का है कलर स्केल। कलर स्केल के बाद आइकन सेट। अब आइकन सेट में मैंने आपको दिखाया था कि जैसे हम फिल्टर में सॉर्टिंग में हमने आइकन सेट के बेस पे किया था, तो कोई भी आइकन लगा सकते हैं, बेसिकली ये डेटा को कैटेगराइज करने के लिए होते हैं। अब हमने लगा तो दिया है, पिछली बार मैंने ये नहीं बताया था इनका क्राइटेरिया कैसे सेट करना है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ मैनेज रूल में, यहाँ आइकन सेट में, ठीक है, एडिट पे चला गया। यहाँ पे आप क्राइटेरिया सेट कर सकते हो कि व्हेन वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 67%, 67% ऑफ व्हाट, मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वाला साइन आ जाएगा। अगर 67 से 33 के बीच में है तो ये वाला साइन आ जाएगा, बिलो 33 है तो ये वाला आएगा। अगर आप देना चाहते हो नंबर सीधा सीधा, तो यहाँ से नंबर चूज कर सकते हो, ठीक है, कि सीधा सीधा कि अगर वैल्यू 70 से ऊपर है तो ये राइट का साइन आना चाहिए, 70 से 50 के बीच में तो ये, बिलो 50 ये वाला। तो इस हिसाब से जैसे ही आप अप्लाई करोगे चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का नंबर और परसेंट का यूज़ कहाँ करते हैं, मान लीजिए कि इसमें वैल्यू पड़ी नहीं थी, ठीक है। अब शुरुआत में मैंने मान लीजिए कि यहाँ पे आइकॉन लगा दिया, ये आइकॉन, ठीक है, यहाँ एक आइकॉन अप्लाइड है, तो अगर मैं 10 डाल रहा हूँ तो पहले तो राइट इसी का दिखाएगा क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू यही है इसमें, ठीक है, इस तरह से। तो इसमें निशान बदलते रहते हैं, तो परसेंटेज को पिक करने का चक्कर ना पड़े इसलिए हम पहले दे देते हैं उसमें कि हाँ 90 से 70 से बड़ी हो तो, ठीक है, वहाँ नंबर यूज़ होता है। इसी तरह से इक्वल टू वाला जो हमने किया था अभी तक, उसमें जैसे हमने करना है कि जैसे प्रेजेंट, अब्सेंट और लीव, तीन चीज़ें हैं, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जिनमें कन्फ्यूजन आती कई बार। इसको मुझे करना है ग्रीन, इसको करना है मुझे रेड, और लीव डालो तो मुझे करना है येलो, ठीक है, ये तीन कलर करने हैं, इनमें एंट्री करनी है। तो मैं सीधा सा जाऊंगा, इसमें रूल जितनी कंडीशन होती है उतने रूल लगते हैं, एक ही कंडीशन में हम दो तीन रूल नहीं लगाते। हाईलाइट सेल रूल इक्वल टू, सबसे पहले डालेंगे पी, अगर पी है तो
मतलब कैप्स का कोई चक्कर नहीं है, स्मॉल कैप्स दोनों में चलता है। तो इसमें कस्टम फॉर्मेट से मैंने चूज़ किया ग्रीन, ठीक है। एक रूल अप्लाई हो गया, अब पी आएगा तो वो दूसरा रूल ए कस्टम फॉर्मेट, इसमें रेड कर दिया ए में। तीसरा रूल एल, और इसमें मैं येलो चूज़ कर दूंगा, ठीक है। तो जो एंट्री करूंगा ये वो कलर दे देगा, ठीक है। कुछ और दूंगा तो कुछ नहीं देगा। तो बेसिकली होता क्या है, इसमें जो रूल पहले ट्रू हो गया, मतलब ये भी प्रायोरिटी वाइज डिपेंड करता है, जो सबसे पहले होगा वो वहाँ से चलेगा, पहले ये चेक करेगा कि एल में वैल्यू है कि नहीं। तो अगर एल में है तो कर देगा येलो, नहीं तो दूसरे पे पास ऑन कर देगा, फिर चेक करेगा ए में है कि नहीं, है तो कर देगा, नहीं तो तीसरे पे। तो इस डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। अभी वो कंडीशन भी दिखाऊंगा जहाँ कई बार दो रूल ट्रू होने के केस में होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ से करते, फिर उसके बाद चलते हैं, अभी क्लियर कर देता हूँ, न्यू रूल में। इसमें क्या क्या होता है, अभी मैंने ऊपर आपको प्री डिफाइंड ऑप्शन दिखाए थे, अब इसमें है फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज़, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मेट स्टाइल है, हमने थ्री कलर स्केल देखा था, ये टू कलर स्केल है, लोएस्ट वैल्यू हाईएस्ट वैल्यू, ये ऑटोमेटिक है, कहीं रेफरेंस से लेनी है रेफरेंस से ले सकते हैं, नंबर लेना है नंबर ले सकते हैं, ठीक है, अपने हिसाब से सेटिंग, कलर अपने हिसाब से सेटिंग कर, हाईएस्ट के लिए ये कलर आएगा, लोएस्ट के लिए ये आएगा। इसी में थ्री कलर है तो ये परसेंटाइल ऑटोमेटिक लेगा मिड पॉइंट आपका, ठीक है। अगर नहीं लेना मिड पॉइंट आपने खुद देना है, दे सकते हैं। इसी तरह डेटा बार्स, अब डेटा बार्स में क्या होता है, हमें चाहिए, कई बार हमें नंबर नहीं चाहिए बार चाहिए, तो खाली शो बार ओनली का ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें ये आपकी खाली बार आ गई। अब इसमें मिनिमम मैक्सिमम ऑटोमेटिक लेता है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, हालांकि आप अपने हिसाब से भी दे सकते हो वैल्यू, इसमें भी नंबर और वो परसेंट होता है आपका। कलर कौन सा चाहिए, बॉर्डर चाहिए नहीं चाहिए इस पर, ठीक है। बार की डायरेक्शन कौन सी होनी चाहिए, लेफ़्ट टू राइट में, इस डायरेक्शन में, ठीक है, लेफ़्ट टू राइट और कॉन्टेक्स्ट में उसी डायरेक्शन में, राइट टू लेफ़्ट में चेंज हो जाता है ये, ठीक है। तो इनको आप कर सकते हैं, डेटा बार देख लिया। आइकन सेट, आइकन सेट में तीन कैटेगरी हैं, चार कैटेगरी हैं, पांच कैटेगरी हैं, जितनी भी हैं आप उतने आइकन ले सकते हैं, और उसी हिसाब से कंडीशन चलेगी कि इससे इसके बीच में तो ये, इससे इसके बीच में तो ये, इस तरह से। इसी तरह आपको खाली आइकन दिखाने तो शो आइकन ऑनली का है, यहाँ पे आपको जो आइकन सेट लगे हुए हैं वो आपको रिवर्स ऑर्डर में चाहिए, तो ये रिवर्स, पहले वो साइन आ रहा था अब ये साइन आए, तो उल्टे में सेट कर देता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मेट ऑल सेल बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, फॉर्मेट ओनली दैट सेल कंटेन्स, ठीक है। सेल वैल्यू ये बिटवीन नॉट बिटवीन इक्वल टू, वहाँ पे खाली ग्रेटर देन था, यहाँ आपको ग्रेटर देन और इक्वल टू मिल जाएगा, जैसे कि टारगेट कंप्लीट होने के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू चाहिए, ठीक है ना। इस केस में आपको क्या करना पड़ता है, फॉर्मेट जो है खुद बनाना पड़ता है, खुद चूज़ करना पड़ता है, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू, इसके बाद आ गया स्पेसिफिक टेक्स्ट, कंटेनिंग था खाली, या नॉट कंटेनिंग बिगनिंग विद एंडिंग विद बी, जो अगर मान लो चाहिए तो, ठीक है। डेट अकरिंग, डेट अकरिंग में सारे वही है। ब्लैंक्स, अगर सेल ब्लैंक हो तो क्या फॉर्मेटिंग, नो ब्लैंक्स, ब्लैंक नहीं हो तो क्या। एरर कौन सी वाली एरर है, ये फार्मूला एरर है, डिव बाय ज़ीरो हैश रेफ हैश नेम, इस तरह की एरर जो आती है, ठीक है। नो एरर से एरर फ्री जो डेटा है। टॉप एंड बॉटम रैंक वैल्यू के लिए, टॉप 10 आइटम है तो 10 ऐसे ही, परसेंट है तो यहाँ टिक कर देना है, तो टॉप बॉटम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अबव और बिलो एवरेज, तो अबव बिलो, इक्वल और अबव, इक्वल और बिलो, ये सब आपको स्टैंडर्ड डेविएशन अबव और बिलो मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब मुझे भी नहीं पता, स्टैटिक्स का कुछ टर्म होती है, ठीक है। फॉर्मेट यूनिक और डुप्लीकेट का यहाँ पे, उसके बाद हर चीज़ के लिए ये है,
जो अभी तक जो ऑप्शन बताए उसमें से अगर काम नहीं हो रहा हो तो आपको एक फार्मूला देना है। कौन सा फार्मूला? फॉर्मेट वैल्यूज़ वेयर दिस फार्मूला इज़ ट्रू। ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है और इसी से ही सारे काम होते हैं जो कल हम अटेंडेंस मॉनिटरिंग का बनाएंगे वो मेजर इसी से बनेगा। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये डेटा को उठा लेता हूँ मैं। दूसरी जगह सेल्स वन कर देता हूँ, 6 दिन की सेल्स दे देता हूँ यार। ठीक है, और यहाँ पे नंबर्स दे दे। तो ये आ गई। अब मेरी कंडीशन क्या है? मैं चाह रहा हूँ कि जहाँ 6 दिन की सेल्स ग्रेटर देन 400 है, जो ग्रेटर देन 400 है वो पूरी रो हाईलाइट हो जाए, मतलब इतनी। ठीक है, तो फॉर्मूला कैसे बनेगा? ये आपका लेस देन इक्वल टू के ग्रेटर देन से फॉर्मूले से बनता है, लॉजिकल फॉर्मूले से बेसिकली, जिसका आंसर ट्रू फॉल्स में ही आता है। जैसे ग्रेटर देन के हम ये फॉर्मूले बनाते, तो अब मैं इसमें बनाऊंगा सम का फॉर्मूला लगा लूँगा जिससे मुझे ये नंबर मिल जाएगा, और इसके कर दूंगा ग्रेटर देन 400। ठीक है, अब ये करके देख लेता हूँ ट्रू हो रहा है कहीं, नहीं हो रहा, तो मैं 300 कर देता हूँ। हाँ, ये ट्रू हो जाएगा। ठीक है, ट्रू फॉल्स हो रहा है। इस केस में क्या होता है, जब मैं रूल अप्लाई करूँगा सिलेक्ट करके ऐसे करूँगा, ठीक है, क्योंकि पूरी पूरी रो हाईलाइट करनी है, पर उसी के साथ ही ये फार्मूला जो है वो आपका हर एक सेल पे लगेगा। तो आपको फार्मूला कॉपी पेस्ट कुछ होगा। अभी देखो, अगर मैं इस फॉर्मूले को कॉपी करके और लगा देता हूँ इसके अंदर, जो हम फॉर्मूला बनाते हैं हमेशा पहली सेल के लिए बनाते हैं। ठीक है, न्यू रूल में गया, यूज फॉर्मूला में डाल दिया। ठीक है, फॉर्मेट में मैंने मान लो येलो कर दिया। ओके, अब देखो, ये मैंने कहा था पूरी सेल हाईलाइट होनी चाहिए, पर नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि जब आप इस फॉर्मूला को इधर भी ड्रैग करोगे, हाँ, तो प्रॉब्लम क्या है? डॉलर की। तो जितनी जगह ट्रू आ रहा है ये उतनी जगह ही हाईलाइट कर रहा है, देखो, है ना। हमें इस फॉर्मूला को ऐसा बनाना है कि अगर ट्रू है तो पूरी रो में ट्रू आए, तो मैं इसके लिए इसको लॉक कर दूंगा। हाँ, कॉलम को लॉक कर दूंगा ताकि ये मूव ना हो, सी और एच से पहले डॉलर। ठीक है, अब ये लगा, अब पूरी रो हो रही है ट्रू में। अब सेम चीज़ मुझे वहाँ पे जाके चेंज करनी है, मैनेज रूल, और यहाँ पे मैंने डॉलर इनसे पहले लगाना। इसमें कभी भी माउस इसका एरो की का यूज़ ना करें, हाँ, नहीं तो सेल आ जाते हैं इसमें। ठीक है, तो माउस से ही करें। ठीक है, ओके ओके करने के बाद अप्लाई करना होता है। जैसे ही अप्लाई करेंगे ये आ गया, हाईलाइट हो गया। अब मेरे पास एक और चीज़ है कि चलो ये 300 से बड़ी वाली हाईलाइट हो गई। मैं चाहता हूँ कि जो 250 से बड़ी है उनका कलर अलग आना चाहिए, 300 से बड़ी का अलग कलर आना चाहिए। ठीक है, हाँ, तो मैं क्या करता हूँ, इस पे 250 दे देता हूँ, एंड नहीं लगेगा, दो रूल अप्लाई होंगे। अब ये मैंने कॉपी किया, हमेशा एक्टिव सेल से फॉर्मूला लगता है। एक्टिव सेल कौन सी होती है? जो ये इस तरह से आपको दिखती है, जैसे ये है ना, तो ये एक्टिव सेल हो गई। फिर
तो फार्मूला हमेशा एक्टिव सेल से काम होता है। अगर आपने सिलेक्शन नीचे से किया है तो फार्मूला गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि वो रूल आपका एक्टिव सेल पे ही अप्लाई होगा, उसके बाद ड्रैग होगा। अब मैं करूँगा न्यू रूल, यूज़ फार्मूला, और यहाँ पे 250 वाला मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ। ठीक है, ओके किया। अब देखो प्रॉब्लम क्या है कि जो 250 जो 300 से बड़ा है वो आपका 250 से भी बड़ा है, इसलिए वो भी हाईलाइट हो गया है ना। तो हमें अलग अलग कैटेगराइजेशन चाहिए। पहले मैंने एक बात बताई थी मैनेज रूल में कि जिसकी प्रायोरिटी अप में होगी वही चलेगा। तो पहले अगर 250 वाला चलेगा तो वो तो वो सबको ही वो कर जाएगा, क्योंकि 300 वाले को भी कर जाएगा वो, है ना, वो भी बड़ा है। तो हम पहले मौका देंगे इसको 300 वाले को चेक करें। इसको ऊपर कर दिया मैंने, ऊपर करने के बाद अप्लाई, तो जिसको ये छोड़ेगा उसको ये चेक करेगा। तो ये है आपका कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी कल हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे जिससे और आपको समझ आ जाएगा। इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, फाइल की ज़रूरत तो नहीं है, रिकॉर्डिंग सही हो जाएगा। क्या चीज़? वैसे उसका कोई काम नहीं है। स्टॉप इफ ट्रू में क्या होता है कि जैसे ये ट्रू होगा वो नीचे नहीं जाएगा। हाँ, तो अगर आप इसको यहीं से मैनेज कर दोगे, मैनेज में रखोगे, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फालतू ऑप्शन पर क्यों ध्यान देना।